Hello everyone. So we are discussing NCRT questions of the chapter Plant Growth and Development and in today's session we are going to discuss the question number 3. So the question is describe briefly A. Arithmetic growth B. Geometric growth

और दूसरा सेल डिफ्रेंशियट हो जाता है और मेच्योर हो जाता है और डिविजन शो नहीं करता तो ऐसी ग्रोथ को हम एमेटिक ग्रोथ बोलते हैं जैसा की इस डाय में हमें दिखाया गया है यहाँ पे डार्क कलर से जो सेल्स दिखाए गए हैं वो वो सेल्स हैं जो डिवीजन शो कर सकते हैं और लाइट कलर से जो सेल्स दिखाए गए हैं ये वो सेल्स हैं जिन्होंने डिवीजन की कैपेसिटी लूज कर दी है तो तो बेटा अगर हम एरिथमेटिक ग्रोथ देखें तो यहां पे देखो स्टार्टिंग में आपको तीन सेल्स दिखाए गए थे जिसमें से दो सेल्स के पास डिविजन की कैपेसिटी थी और एक सेल के पास नहीं थी तो जो हमारा राइट मोस्ट कॉर्नर वाला सेल है उसको हमने नहीं लिया है आगे के चार्ट में जो लाइट कलर वाला

डिवाइड किया उसके डिवीजन से भी जो दो नए सेल बने उसमें से भी एक ने डिवीजन की कैपेसिटी लूज कर दी और एक ने फर्दर डिवीजन शो किया सिमिलरली आगे भी बेटा ये चलता रहेगा क्लियर अगर आप इसको खुद भी बनाकर देखना चाहें तो आप बना के देख सकते हैं जैसे सपोज दिस इज योर सेल जब ये माइटोटिक डिवीजन शो करेगा तो ये दो नए सेल्स बनाएगा एक ये वाला सेल और एक ये वाला सेल इसमें बेटा ये जो ग्रीन सेल है जो सेल हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं उसको हम कंसिडर करेंगे कि ये ये की कैपेसिटी लूज कर देते हैं तो ये ग्रीन वाला सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेगा सिर्फ व्हाइट वाला सेल फर्दर डिवाइड करेगा तो जब ये डिवाइड करेगा तो माइटोसिस से डिवाइड करेगा और दो नए सेल बनाएगा उसमें से भी एक सेल डिविजन की कैपेसिटी लूज कर देगा तो उसको हम ग्रीन से दिखा देंगे और ये जो ग्रीन वाला है ये तो डिवाइड कर ही नहीं रहा था तो इसको एज इट इज दिखा देंगे ऐसे ही आप पूरा चार्ट बना सकते हैं आगे तक क्लियर तो ये होती है एरथमेटिक ग्रोथ जहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है माइटोटिक डिवीजन से जो दो नए डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें से एक सेल डिफ्रेंशिएट कर जाता है मेच्योर हो जाता है और फर्दर डिवीजन शो नहीं करता और एक सेल डिवीजन शो करता है ठीक है इसका एक एग्जाम्पल होता है बेटा रूट एलोंगेशन अगर हम रूट एलोंगेशन को टाइम के साथ प्लॉट करेंगे तो हमें एक लीनियर कर्व मिलेगा ठीक है अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो वो होता है एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी वेयर एल टी इज इक्वल्स टू लेट टाइम टी एल नॉट इज इक्वल टू लेट टाइम जीरो एंड आर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट और एलोंगेशन पर यूनिट टाइम तो ये होता है हमारा एल्समेटिक ग्रोथ क्लियर सो आंसर A is arithmetic growth and arithmetic growth. Following mitotic cell division, only one daughter cell continues to divide while the other differentiates and matures. The simplest expression of arithmetic growth is exemplified by a root elongating at a constant rate. On plotting the length of the organ against time, a linear curve is obtained. Mathematically, it is expressed as Lt is equals to L0 plus Rt, where Lt is equals to length at time t, L0 is equals to length at time 0, and R is equals to growth rate और इलोंगेशन पर यूनिट टाइम क्लियर उसके बाद ये चार्ट भी आप बना सकते हैं बेटा देन बी पार्ट में हमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ बतानी थी क्या होता है तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में जब बेटा माइटोटिक डिविजन होता है तो जो दो नए डॉटर सेल्स बनते हैं वो दोनों ही डिविजन शो करते हैं जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एक सेल था उसने माइटोसिस शो किया और दो नए सेल्स बनाए वो दोनों ही सेल्स डिविजन शो कर सकते हैं और फर्दर नए सेल्स बनाएंगे फिर जो नए सेल्स बनेंगे उसमें से भी सारे सेल्स डिविजन शो करेंगे और नए सेल्स बनाएंगे तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ ज्योमेट्रिक ग्रोथ में बेटा पहले जो ग्रोथ होती है वो इनिशियली स्लो होती है इसको बोलते हैं लॉग फेज फिर ये इंक्रीज करती है रेपिडली उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और उस फेज को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज या फिर लॉग फेज और फिर क्योंकि न्यूट्रिय की अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है हमें पता है नेचर में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है अनलिमिटेड नहीं है तो लिमिटेड न्यूट्रिय अवेलेबिलिटी के कारण जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है स्टेशनरी फेज में पहुंच जाती है और एक कॉन्स्टेंट रेट से ही फिर इंक्रीज करती है तो लिमिटेड न्यूट्रिय अवेलेबिलिटी के कारण जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है और अल्टीमेटली स्टेशनरी ज में पहुंच जाती है तो ये होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्लियर तो बी पार्ट ज्योमेट्रिक ग्रोथ इन ज्योमेट्रिकल ग्रोथ द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो दैट इज लैग फेज एंड इट रैपिडली देयर आफ्टर एट एन एक्सपोनेंशियल रेट दैट इज लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज हेयर बोथ द प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग माइटोटिक सेल रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो हाउ एवर विद लिमिटेड न्यूट्रीन सप्लाई द ग्रोथ स्लोज डाउन लीडिंग टू अ स्टेशनरी फेज और फिर ये चार ड्रॉ कर देंगे क्लियर देन

हमारी ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है यानी ये जो हम लैग फेज एक्सपोनेंशियल फेज और स्टेशनरी फेज देखते हैं

ठीक है बेटा तो यहाँ पे वही बताया गया है जब हम ग्रोथ को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो हमें सिग्मोइड और एस कर्व मिलेगा जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि नेचुरल एनवायरमेंट में रहते हैं इसमें लैग फेज होता है एक्सपोनेंशियल फेज होता है और स्टेशनरी फेज होता है द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस एज इसमें बेटा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई रिज टू दावर आर टी वेयर डब्ल्यू वन क्या है बेटा डब्ल्यू वन है हमारा फाइनल साइज यानी ग्रोथ के बाद जो किसी भी ऑर्गन या पार्ट का जो फाइनल साइज होगा उसका वेट हाइट या नंबर वो है डब्ल्यू वन डब्ल्यू नॉट इनिशियल साइज इनिशियली जो भी उस प्लांट का या ऑर्गन का साइज रहा होगा आर ग्रोथ रेट टी टाइम ऑफ ग्रोथ यानी कितने टाइम के लिए उसने ग्रोथ शो करी है और ई e, e आपको पता है बेस ऑफ नेचुरल ऑग्रथम ठीक है इसमें बेटा आर जो है आर हमारा रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है इसको हम एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं मतलब यही हमें बताता है कि प्लांट की कितनी एफिशिएंसी है कितनी कैपेसिटी है कितनी एबिलिटी है ग्रोथ करने की नया प्लांट बनाने की क्लियर तो जो हमारा फाइनल साइज होता है डब्ल्यू किसी भी प्लांट का या किसी भी ऑर्गन का वो डिपेंड करता है उसके इनिशियल साइज पे दैट इज डब्ल्यू नॉट पर क्लियर सो the exponential growth can be expressed as w1 is equal to w0 e raised to the power rt where w1 is equals to final size which can be weight, height, number etc. w0 is equals to initial size at the beginning of the period r is equals to growth rate t is equal to time of growth e is equals to base of natural logarithms here r is the relative growth rate and is also the measure of the ability of the plant to produce new plant material referred to as efficiency index hence the final the final size of W1 depends on the initial size W0. Clear? देन ये कर्व ड्रॉ कर देंगे बेटा क्लियर देन डी पार्ट में हमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट्स बताने थे तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होगा जो एक पर्टिकुलर पार्ट part का पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक्चुअल ग्रोथ रेट होगा उसको हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बोलेंगे और रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होगा रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है बेटा किसी के रिस्पेक्ट में जब हम किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पे सारे ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रेट निकालेंगे तो उसको रिलेटिव ग्रोथ रेट बोलेंगे क्लियर सो डी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ